हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए तो आज जो है, हेलो बच्चों, चलिए तो DPP 5-6 का डिस्कशन चालू करने वाले हैं। होप कि सब लोग जो है मुझे देख पा रहे होंगे। तो अब जो है हम बच्चों को, मैं देख लेता हूँ, चैट में अपना नाम लिख दीजिए भाई। ठीक है, हेलो नितिन, है ना, हेलो चुबा, सादिक, सुशांत, ओजस, काफ़ी सारे बच्चे आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। चलिए तो सुशांत ने लिखा है, सर ऑल इज़ गुड, बढ़िया। नितिन कैसे हो भाई? ओजस कैसे हो? क्यूबा कैसे हो, है ना? और जो है स्टडी मटेरियल जो है वो एक मतलब गूगल फोल्डर है, वो मैं शेयर कर दूंगा। एक ग्रुप भी है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप लोग ऐड हो जाना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आ रहा है, लाइव क्लास आ रही है, तो वहाँ बता दी जाएगी। ठीक है, चलो। बाकी टाइम टेबल तो आपके साथ शेयर किया हुआ है, दोबारा मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है ना, आवाज़ वगैरह सब सुनाई दे रही है? हाय बच्चों, तो बच्चों जो है स्टार्ट कर रहे हैं सेशन अपना। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, ये है मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारा आज का सेशन है, इसमें हम करने वाले हैं मोल कंसेप्ट का डिस्कशन। और जो हमारा DPP है वो है DPP 5 and 6। तो होपफुली बच्चों आप एंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है ना, ये DPP जो करा रहे हैं, आराम से करा रहे हैं, दो दो DPP होमवर्क में मिलती है, तो करना भी थोड़ा आपके लिए मोटिवेशन वाला रहेगा। वीडियो आप देखेंगे तो ये DPP आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसके लिए, मदद करने के लिए मैं यहाँ डिस्कशन में हूँ ही सही। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, डिस्कशन यहाँ हो ही रहा है। ठीक है, तो बस आपको पढ़ना है। ठीक है ना, देखो बच्चों, प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो कि पढ़ने के लिए बिल्कुल जो है यहाँ पे जो है रेडी है। तो 1 to 4 में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। DPP मैं ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन पर DPP दिखाई दे रही है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो DPP नंबर 5 में 1 to 4 में कोई डाउट बच्चों? स्क्रीन पे तुम्हारे है DPP नंबर 5, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो भाई। ठीक है, बोलो। DPP नंबर 4 में कोई डाउट? तो देखो बच्चों, ये प्लान, ये जो कोर्स का पूरा प्लानिंग है ना, वो ये सोच के किया हुआ है कि जो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है ना, उसको फायदा हो जाए। ठीक है, देखो क्या है, स्पून फीडिंग से कुछ होगा नहीं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप नोट्स बनाएंगे, कोई डाउट है तो डाउट क्लास में पूछ लेंगे, कोई डिस्कशन में करना है तो अपन रेगुलर मिल रहे हैं। ये रेगुलरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, रेगुलरिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वॉइस कम आ रही है, यूज़ हेडफोन। वॉइस कम आ रही है चूबा, तो जो है वो यूज़ हेडफोन। ठीक है, हेडफोन यूज़ करें अगर वॉइस कम आ रही है तो। क्या बाकी बच्चे बताइए मुझे, क्या बाकी को भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या, बताइए मुझे, बताओ बच्चों, बाकी बच्चों को भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या, है ना? वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो यस लिखें, नहीं आ रही है तो नो लिखें। ठीक है, नितिन क्या प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, क्या आ रही है, और वो लिखो मुझे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, वो इसमें लिखिए बच्चों, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बता दो एक बार। ओजस का कहना है कि फाइन है वो वॉइस। नितिन, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मेंशन करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। वॉइस इज वेरी स्लो। स्लो क्यों यार, स्लो स्लो लो या स्लो? देखिए, लो और स्लो दोनों अलग अलग चीज़ें होगी दोस्तों। ठीक है ना, लो और स्लो दोनों अलग अलग चीज़ें होगी। मैं थोड़ा सा वॉइस बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। चलिए अभी देखिएगा, अभी कैसी आ रही है आवाज़, अभी कैसी आ रही है बताइए। अभी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, अभी ठीक है क्या बच्चों बताओ? अच्छा, यूज़ हेडफोन, यूज़ हेडफोन। ठीक है ना, परफेक्ट। अच्छा ठीक है ना, तो बच्चों यूज़ हेडफोन, है ना, ध्यान रखना है, हेडफोन यूज़ करना है हमेशा क्लास में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ूँ मैं। 1 to 4 में कोई डाउट बच्चों? 1 to 4 में कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं आप लिख रहे हो चैट बॉक्स में, तो मैं आ जाता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में कोई डाउट? फाइव टू एट में कोई डाउट?
अच्छा टोटल कितने डीपीपी हैं इसमें? 10 हैं, तो अपन इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं। 14 DPP है ना, तो अब तीन तीन DPP देता हूँ होमवर्क में, है ना, तीन तीन DPP देता हूँ तो फिर कंप्लीट होगा, है ना। ठीक, चलो 5 to 8 में कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फाइव टू एट में कोई डाउट नहीं, 9 to 11 में कोई डाउट? 9 to 11 में कोई डाउट? नाइन टू इलेवन में कोई डाउट? 10th क्वेश्चन, 10th देख रहे हैं स्क्रीन पर। द मोलारिटी ऑफ सी एल माइनस इन एक्व सॉल्यूशन विच वॉस वेट बाई वॉल्यूम 2% NaCl, 4% CaCl2, 4% CaCl2, 6% NH4ClS। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये मोलारिटी वो पूछ रहा है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है Cl माइनस की, ठीक है, और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। NaCl का कितना दे रखा है क्वेश्चन में देख के बताएंगे, 2%। CaCl2 जो है वो है अपना 4%, और NH4Cl जो है वो कितना है, 6%। ठीक है, अब आप देखो कि इन तीनों में Cl है, ठीक है, तीनों में Cl है। सपोज मैं 100 ml लेता हूँ सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन के तीन पार्ट कर रहा हूँ, इसमें NaCl मिलेगा 2 ग्राम, इसमें CaCl2 मिलेगा 4 ग्राम, और इसमें NH4Cl मिलेगा कितना, 6 ग्राम। कितना मिल गया, 6 ग्राम। ठीक, चलो सही है, ये तो बात समझ गए ना कैसे करना है मुझे ये, क्योंकि ये परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये हमने जो है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम जो है इससे हमने निकाल दिया। ठीक, चलो अब आप ये देखो, सबसे पहला काम है कि इसको मोल में कन्वर्ट करूँ। तो मोल N1 बराबर 2/58.5 इसका मोलर मास, इसकी मोल N2 इज इक्वल टू 4 ग्राम अपॉन ये होगा 111, ठीक है ना, और इसके मोल N3 बराबर 6 अपॉन NH4Cl का मोल मास 14 + 4 + 35.5। ठीक है भाई, अब इसको मैं पूरा तोड़ दूं तो Cl माइनस मिल जाएगा N1, इसको पूरा तोड़ दूं तो Cl माइनस 2N2, और इसको पूरा तोड़ दूं तो Cl माइनस N3 मिल जाएगा। ठीक, तो टोटल Cl माइनस मिल गया मुझे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस यानी कि मोल Cl माइनस अपॉन वॉल्यूम, तो ये तो हो गया N1 + 2N2 + N3, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम कितना माना है 0.1 लीटर, ये कितना माना है 100 ml कंसिडर किया था ना, तो 0.1 लीटर मान लेंगे इसको अपन। ठीक, तो चलिए, तो हमारे पास जो है ये चीज़ जो है हमसे पूछी है, कर लेंगे सोल्व। क्या क्लियर है भैया सब लोगों को, बोलो बोलो भैया, सब लोग क्लियर है क्या ये? सुशांत, नितिन, समझ में आ गया? चलो नितिन, नितिन का जवाब नहीं आया अभी मेरे पास, नितिन बोलो। ओजस, वी कैन डू ओवर सेल्फ, लेक्चर प्लानर से क्या मतलब है? ओजस, ओजस लेक्चर प्लानर से क्या मतलब है बच्चा? अगर आप टॉपिक सीक्वेंस पूछना चाह रहे हो तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दिया है, इस आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया है मैंने, उसको आप देख लेना, ठीक है ना, 11th का प्लानर और 12th का प्लानर, ठीक है, तो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है मैंने चैनल पे, टॉपिक का सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा, उसी सीक्वेंस में मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसी सीक्वेंस में। अदर सब्जेक्ट वालों से सबसे मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, तो वो मैं वो भी ऐसा वीडियो बना देंगे, बाकी सीक्वेंस यहाँ पे शेयर करा दूंगा मैं, ठीक है। ग्रुप के लिए आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उसमें मेरा आप मेरे को जो है SMS कर देना, 8209916365, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो मुझे SMS कर दे भाई इस पर, ठीक है, चलो मतलब व्हाट्सएप कर दे, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर देना मुझे इस नंबर पे, तो आप बता सकते, ठीक है। चलो तो बच्चों, अब 5 to 8 हो गया, ये अपना DPP 5 हो गया, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन DPP 6 पर। चलो DPP 6 में ये स्क्रीन पर है आपके, ऐसे ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो 1 to 5 में कोई डाउट, 1 to 5 में कोई डाउट, बोलो 1 to 5 में कोई डाउट हो? नथिंग। चलिए 6 to 10 में कोई डाउट, 6 to 10 में कोई डाउट? चलिए, तो ये DPP तो अपना डिस्कशन हो गया जल्दी,
तो मैं अगली क्लास को जो है ना रीशेड्यूल उसका हेडिंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है, होमवर्क में देता हूँ तुम्हें। अगली क्लास में वैसे डीपीपी था 7-8, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में ये 3 DPP डिस्कस करूँगा। क्या आप कंफर्टेबल है? क्या आप कंफर्टेबल हो तो बताओ भैया, ठीक है ना, या 2 ही DPP दूँ बता दो, 2 DPP दूँ कि 3 दूँ, 7, 8, 9 दूँ या 7, 8 ही रहने दूँ, बोलो। 3 DPP दे दूँ, सुशांत का कहना है 3 DPP दे दो, और बाकी लोग अपनी राय बताओ। नितिन का कहना है 3 DPP सही है, और बच्चा, और बच्चों, 7, 8, 9 बिल्कुल सही, बाकी बच्चों की भी राय यही है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ तनाव बिल्कुल ना लें भाई, ठीक है, तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपन काम कर रहे हैं नो स्ट्रेस पॉलिसी पे, ठीक है ना, तो आराम आराम से डिस्कशन करेंगे, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है ना, नो स्ट्रेस पॉलिसी रखनी है अपन को, ठीक है, चलो। अच्छा, कोई डाउट हो थ्योरी का तो वो पूछ लो मेरे से, क्लास एंड करने वाले हैं जल्दी, तो डाउट थ्योरी का हो तो पूछ लो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो अपन अभी चल रहा है कि ये सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है, आर यू एंजॉइंग दिस, ठीक है, अपनी राय व्यक्त करें, शेयर योर व्यूज। अच्छा, एनी सजेशन, कोई सजेशन है तो टाइप कर दें, ठीक है, चलो। मेरे व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, मुझे जो है बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे भी बता दो कोई सजेशन है, कॉल कर सकते हो, इवन यू कैन कॉल मी एनी, मतलब दिन भर में कभी भी कॉल कर लो आप, एनी टाइम तो नहीं, रात को पता लगे तुम्हें 1 बजे ही फ़ोन करके मुझसे पूछो, ठीक है, तो 1 बजे तो भाई थोड़ा सा प्राइवेसी रखनी होती है। तो बताओ मुझे, पहले तो मुझे कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, अगर कोई डाउट है थ्योरी पढ़ते समय कोई डाउट आया हो तो पूछ लो मेरे से, मैं क्लियर कर दूंगा, बोलो भैया जल्दी। बताओ यार, चलो कोई कोई अच्छा, सुशांत का कहना है दिस इज बेस्ट, है ना, प्लीज़ गिव ऑल डीपीपी। यार एक्चुअली क्या है, डीपीपी जैसे जैसे डिस्कशन हो रहा है ना, नए सिरे से बना रहे हैं, तो इसलिए डीपीपी में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, पर अभी जल्दी से जल्दी हम आगे के टॉपिक अपलोड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है, ऑर्गेनिक का भी मैं कराता हूँ जल्दी, ठीक है ना, ऑर्गेनिक के डीपीपी भी मैं अपलोड कराता हूँ, ठीक है, चलो ये नोट कर लिया मैंने, ऑर्गेनिक डीपीपी अपलोड करा देता हूँ, आगे के डीपीपी अपलोड करा देता हूँ। अच्छा बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये मैंने ये पूछा था कि आर यू एंजॉइंग दिस प्रोग्राम, शेयर योर व्यूज़, तो बाकी लोग बताइए क्या हम सही सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम सही कर रहे हैं तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो ठीक, कोई सजेशन हो आपका तो बता दो मुझे, ठीक है ना, जब 2-3 टॉपिक हो जाएंगे तो मैं एक ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा आपका, यूनिट टेस्ट भी ले लूँगा, ठीक है ना, अलग से करवा दूंगा इसका यूनिट टेस्ट, ठीक है, चलो। तो बच्चों यहाँ से है ना, देखो पूरा तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है, जैसे आपको थ्योरी पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, और इन क्लास में आके डाउट आपको मुझसे पूछने हैं, ठीक है, तो डाउट के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर आपको डीपीपी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, और उसके बाद आस्क योर डाउट, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस क्लास में मेरा पर्पज़ ये दोनों का है, कि थ्योरी के डाउट और डीपीपी का डिस्कशन, ठीक है ना, बट ओवरव्यू इज स्लो, यस बट ओवरव्यू स्लो, मैं शादी इसका मतलब नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हो, ओवरव्यू इज स्लो का क्या मतलब है, बोलो। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है ना नितिन, लाइव लेक्चर इसी के लिए, लाइव लेक्चर इज ओनली फॉर डाउट एंड डिस्कशन, डाउट एंड डिस्कशन के लिए है केवल लाइव लेक्चर, ठीक है, बाकी तो रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं क्लासरूम रिकॉर्डेड, दे आर फार बेटर देन लाइव लेक्चर, ठीक है, है ना, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, हाँ सर स्लो चल रहा है, 2 वीक एक चैप्टर हो, है ना, देखो अभी अभी स्लो चलाया है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था मूल कंसेप्ट, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्लो चला है, मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आप पेस बढ़ा लेंगे ना, मैं होमवर्क ज़्यादा दे दूंगा डीपीपी में, तो अपन डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, टॉपिक दौड़ने लग जाएगा, ठीक है, तो अभी पहला चैप्टर है, शुरू के 2-3 टॉपिक तक स्लो करेंगे, बाद में स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए, तो मैं क्लास एंड कर दूं अब, कोई अगर कोई और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शेड्यूल जो है 11th वाले क्लास के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आयु पैक है, उसके बाद आइसोमेरिज्म कर लो,
ठीक है, उसके बाद जो है जीओसी, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद आप आ जाओ एल्केन वाले चैप्टर पे, ठीक है, एल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, उसके बाद एल्कीन है आपका चैप्टर एक ऐप पर, उसके बाद एरोमेटिक पे आ जाओ, ठीक है, फिर कार्बोनिल, कार्बोनिल को पहले रख सकते हो आप, कार्बोनिल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये करने के बाद एरोमेटिक पे आ जाओ आप, ठीक है, फिर पॉलीमर, छोट छोट भैया टॉपिक है पॉलीमर बायोमोलिक्यूल, ये कर लेना, ठीक है ना। तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज इट क्लियर टू ऑल। इलेवंथ वाले बच्चों को यहीं तक करना है, ये इलेवंथ वाले बच्चों को करना है और ये ट्वेल्थ वाले बच्चों का, ठीक है ठीक है। चलिए क्लास एंड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं है, हो तो व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है ना बच्चों। तो गुड नाइट, टेक केयर।